हाय गाइस, हेलो गाइस, वेलकम माय चालन आरडब्ल्यू संजय बैसंजी। तो गाइस, मैं कल लेके जाने वाला हूँ आपको राजगढ़। तो गाइस, वैसे प्लान तो कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरी बुक्स है, मेरे बुक्स में मैंने देखा कि राजगढ़ के बारे में कुछ लिखा हुआ था। तो गाइस, राजगढ़ वैसे मेरे भोरगांव यहाँ से 15 किलोमीटर गिरता है, और 15 किलोमीटर होने के बाद 28 किलोमीटर के बाद वो राजगढ़ आ जाता है। तो राजगढ़ में कुछ ऐसा हुआ था गाइस कि जो अपने जो हिंदुत्व जो है सनातन धर्म, वो उसकी स्थापना राजगढ़ में हुई थी। तो गाइस, राजगढ़ में काफ़ी सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे पद्मावती का वगैरह काफ़ी मूवीज आ चुका है इसके पहले भी। तो गाइस, मैं राजगढ़ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। तो गाइस, राजगढ़ को ऐसा है कि जो हिंदू स्वराज्य जो है उसकी जो स्थापना है वो राजगढ़ में हुई थी। तो गाइस, ऐसे बताने के लिए तो बहुत कुछ है राजगढ़ के बारे में। राजगढ़ में बाले किला वगैरह बहुत सारे हैं। तो गाइस, हमारे लिए वो एग्जाम रहेंगी कि हम कौन सा कैसा कैसे कर रहे हैं। तो गाइस, हमको ना सब पॉइंट्स कवर अप करना है। मेरा कैमरामैन जो था वो इसके पहले भी आ चुका है इधर, लेकिन वो उसने बहुत देर कर दिया था, 2 बजे आ गए थे इधर। तो गाइस, आप कभी भी फोर्ट पे जाते हो ना, तो गाइस फोर्ट पे जाने के पहले आप सवेरे जल्दी से उठ जाओ, यानी कम से कम आपको 8 से 9 बजे वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी देर करते हो तो आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं गाइस कल ट्राई करूँगा कि जल्दी जाओ और जल्दी मिलो। लेकिन गाइस, यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत ही माहौल बहुत ही ख़राब हो चुका है, और मौसम भी काफ़ी ख़राब रह रहा है। तो गाइस, वैसे मेरे इधर तो बारिश नहीं आ रही, थोड़ी बूंदाबांदी चल रही। तो आपके इधर कैसा बूंदाबांदी है या कैसा चल रहा है, या मुझे थोड़ा कमेंट में ज़रूर बता देना गाइस। तो गाइस, ऐसे मेरे गांव का व्यूज है, मैं दिखा दे दूंगा आपको। ओ, तो रॉकेट के जैसे ही उड़ गए गाइस। ये देखो गाइस क्या हो रहा है इधर। तो गाइस, राजगढ़ कुछ ऐसा है, हिंदू स्वराज्य वो पद्मावती का बाई का वगैरह जो है वो राजगढ़ में ही है। तो गाइस, मैं राजगढ़ पे, तो गाइस मेरे पास मैंने लिस्ट निकाली हुई है मोबाइल पे, तो यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें है वहाँ पे। तो बाले किला है लिखा हुआ, साईबाई रानी का समाधि है, पद्मावती मंदिर है, संजीवनी माची है, गुंजौनी दरवाजा, राजवाड़ा, सुवेड़ा माची और पानी का तालाब। तो गाइस, हम देखेंगे कि सब पॉइंट्स कवर हो जाए, क्योंकि गाइस मेरे को भी दिखने हो, आप भी नए हैं। तो गाइस चलो, क्या होता है देखते कल। तो गाइस, मैं और आपको कुछ बताने वाला हूँ गाइस। तो आपकी वीडियो शूटिंग ना थोड़ा क्वालिटी और थोड़ा बढ़ने वाला है, तो गाइस मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या लिया हो। तो गाइस, मेरा पूरा कैमरे का सेटअप है, खाली मुझे प्रॉब्लम क्या हो रहा है गाइस, ये हेलमेट जो है ना, यहाँ पे मैंने जो सामने में लगाया है हेलमेट का स्टैंड मोटो व्लॉगिंग का, तो गाइस इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मेरे को यामा वाले ने हेलमेट दिया था वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो बड़ा होने की वजह से मेरे को एलिवेशन हो जाता है, वो टिल्ट हो जाता है इस सेट पे। तो गाइस, उसको मैं देखूंगा नया वाला कुछ हेलमेट वगैरह कुछ मिल रहा है क्या, तो मैं नया वाला हेलमेट ले लूँगा। वैसे गाइस, मैं तो इसको मैं कैमरा के सेट ले लिया इतना सारा, तो मैं उसको मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को मोटो व्लॉगिंग में हेलमेट लगाने की जरूरत भी नहीं है। और तो मैं खाली मैं अपने पेट पे लगा दूंगा तभी भी हो जाना है मोटो व्लॉगिंग का। तो गाइस, थोड़ा ना अपना प्यार देते जाओ यार, इतना सारा मेहनत कर रहा है आपका भाई, लेकिन यार आप ना प्यार नहीं देते हो। यार देखो, मेरा पूरा ट्रैक सूट वगैरह भी पूरा रेडी है, अगर बारिश में भी हो जाता है ना गाइस, तो मैं वहाँ पे भीगने वाला नहीं हूँ। और गाइस, मैं ना कल पूरा प्लान करके हूँ, कल मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, ठीक है गाइस।